शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों से साईं मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है। ट्रस्ट ने कहा कि मंदिर परिसर में आने वाले हर भक्त ड्रेस कोड का पालन करें। शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर में हर साल देश विदेश से 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, मगर मंदिर से जुड़े ट्रस्ट को लगता है कि कुछ श्रद्धालु कपड़े मंदिर के धार्मिक वातावरण के अनुकूल नहीं पहनते, इसलिए इस तरह से बोर्ड लगाकर भक्तों से अपील की है कि वो दर्शन के लिए आए तो संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहने। साईं बाबा संस्थान ने जो ड्रेस कोड के बारे में जो अपील की है उसका मैं शिरडी गांव की ओर से समर्थन करता हूँ, और मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो है ये पवित्र स्थल है, ये बाबा की नगरी है, ये कोई गोवा का बीच नहीं है जहाँ पर जाकर आप कोई भी कपड़ा पहन के आ जाए। ये बाबा का पवित्र स्थल है और इस पवित्र जगह पर अच्छे कपड़े पहनकर, भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनकर यहाँ पर आना चाहिए। विशेष बात ऐसी है कि कई विदेशी लोग यहाँ पर शिरडी में बाबा का दर्शन करने आते हैं, लेकिन जब वो शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करने आते हैं तब वो भी अपना भारतीय वेश पहनकर आते हैं। हालांकि साईं मंदिर ने इस तरह का कोई आदेश नहीं निकाला है, सिर्फ अपील की है। कुछ साल पहले भी मंदिर प्रशासन की तरफ से इस तरह की अपील की गई थी, लेकिन कुछ भक्तों को ट्रस्ट की अपील नहीं जमी। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में बोला गया है कि सर ढक के हम अंदर आते हैं, तो जैसे मन में भक्ति की भावना है, जैसे जिसको अच्छा लगे और संस्कृति के अनुसार हो वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप किसी को आज के जमाने में किसी के साथ कुछ फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में भक्तों के लिए ड्रेस कोड है। देखना है कि साईं मंदिर ट्रस्ट की अपील को श्रद्धालु यहाँ किस तरह से लेते हैं। शिरडी से नितिन विराणे के साथ आज तक ब्यूरो।